हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंकिता ब्यूटी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। तो गाइस, आज का वीडियो है रेड मेकअप ट्यूटोरियल। ये रिक्वेस्टेड वीडियो था। इसके लिए रेड हमें इयररिंग चाहिए, टॉप चाहिए। तो गाइस, ये रहा मेरा टॉप। और मेकअप करने के लिए इनसाइड का मैंने लिपस्टिक लिया है, वेट एंड वाइट का हाइलाइटर, किस ब्यूटी का फेस पाउडर, एनवाईबी का प्राइमर। देन अपने ब्रशेस, कुछ फाउंडेशंस। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। रिक्वेस्टेड वीडियो था, अमेज गर्ल, इनका नाम प्रिया है, तो मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है। इनका रिक्वेस्ट था दी नेक्स्ट रेड मेकअप लुक क्रिएट कीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले हमने फेस को यहाँ पे क्लीन अप कर लिया है, टोनर भी अप्लाई कर लिया था, और मैं यहाँ पे NYB का प्राइमर अप्लाई की हूँ। अच्छे से लगा लूँगी टी जोन एरिया पर, तो इससे पोज हमारे क्लोज हो जाएंगे। देन लगाऊँगी लैक्मे 9 to 5 का मैट प्राइमर, मैट फाउंडेशन। ये गैस मैं एक से ड्रॉप लूँगी और इसे मिक्स करके डिप डिप करके अपने चेहरे पे लगा लूँगी। आज मैं ये फाउंडेशन ब्रश है गैस मेरा। जैसा कि आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ, अगर वो वीडियो नहीं देखा है आप लोगों ने तो देख लीजिए। मैंने अपना ऑनलाइन हॉल किया था, जितने ब्रशेस और ब्यूटी ब्लेंडर मंगाई थी। गाइस, ये फाउंडेशन ब्रश बहुत ही बेस्ट है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि इतने सारे हमने फाउंडेशन ब्रशेस यूज़ किए थे, बट उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता था जितना कि इससे मिल रहा है। लाइक ऐसा लग रहा था कि मैं ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ, बहुत अच्छे से। आपका ब्रश से क्या होता है कि फाउंडेशन बेस्ट नहीं होता है, तो मैंने इसको ब्लेंडिंग कर लिया है। देन यहाँ पे NYB का ही मैं कंसीलर अप्लाई करूँगी। और ये मेरा कलर एक नंबर, इससे मेरे कलर से एक नंबर लाइट है, और इसी इसी फाउंडेशन ब्रश से अच्छे से मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी हाईलाइट पॉइंट पे। गाइस, वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक किया कीजिए, और आप मेरे वीडियो के बारे में अपना राय दे सकते हैं, मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। देन मैं लगाऊंगी NYB का ये कॉन्टोर स्टिक है। कॉन्टोर स्टिक जहाँ जहाँ कॉन्टोरिंग करना होता है वहीं करना है, और हाईलाइट एरिया पे जैसे कि मैं कर रही हूँ। और इसी फाउंडेशन ब्रश से मैं अच्छे से डैप डैप करके इसको ब्लेंड कर लूँगी, ताकि मेरा नोज़ पतला लगे, क्योंकि बिकॉज मेरा नोज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पतला है, मेरा फेस भी पतला है, तो मुझे कॉन्टोरिंग करने की नीड नहीं होती है, बट मैं फिर भी सोच रही हूँ कि चलो करती हूँ। देन गाइस, यहाँ पे लगाऊंगी लूज़ पाउडर। ये लूज़ पाउडर मेरा बहुत ही बेस्ट है, और मुझे काफ़ी अच्छा भी लगता है ये। और बेक कर लूँगी अच्छे से, फिर पाउडर ब्रश की हेल्प से एक्स्ट्रा जो पाउडर होते हैं उनको रिमूव कर दूँगी। देन यहाँ पे मेबलिन का मैं लगाऊँगी गाइस ब्लैक जेल आईलाइनर। इसी में से मैं अपना आईब्रो फिल कर लूँगी, ये एक एंगुलर ब्रश से अच्छे से फिल कर लूँगी। गाइस, मैं वीडियो स्किप नहीं करती हूँ, ताकि आप लोग स्टेप बाय स्टेप मेरे वीडियो से सीख पाओ, इसलिए मैं स्किप नहीं करती हूँ। और इसको ब्लेंड कर लूँगी, सेट कर लूँगी। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने आईब्रो बनवाया नहीं था, जैसा कि आप लोगों को पता है। तो गाइस, मैंने आई शेडो पैलेट से मैंने येलो कैरेक्टर लिया है, और अच्छे से इसको ब्लेंडिंग कर लूँगी अपने क्रीज लाइन पे एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से। देन मैं लगाऊंगी हल्का सा पीच कलर, और पीच कलर लगा के ब्लेंडिंग करूंगी क्रीज लाइन पे। देन गाइस, ये मैं इन कलर का मेरा रेड हॉट रेड लिपस्टिक है, और इसी से एक एंगुलर ब्रश से मैं अपना ये थोड़ा सा अपना आई मेकअप स्मोकी कर रही हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को पता है रेड मेकअप है, तो रेड मेकअप में मैं पूरा अपना आई शैडो रेड रखने वाली हूँ। तो एंगुलर ब्रश से अच्छे से मैंने आउटलाइनिंग करते हुए अपने इसी लिपस्टिक से मैंने ब्लेंडिंग कर लिया है, क्योंकि प्रॉपर कलर नहीं आ रहा था आई शैडो, तो मैंने सोचा कि चलो ये रेड कलर की लिपस्टिक से ही लगा के देखते हो। गाइस, बहुत ही अच्छा लगा था। अब जैसा कि आप देख सकते हो, मेरे कैमरे की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है कि मैं आप लोग को ये सब मतलब थोड़ा अच्छे से दिखा पाऊँ। मैं करती तो अच्छा हूँ, पूरा कोशिश करती हूँ कि अच्छा रिकॉर्डिंग हो, बट कैमरे की क्वालिटी अच्छे ना होते हुए रिकॉर्ड अच्छा नहीं हो पाता, लुक अच्छा नहीं लगता। तो गाइस, यहाँ पे मैंने रेड कलर का ग्लिटर आई शैडो में से कलर पिक किया है, और अपने आईलेट पे अप्लाई कर लिया है। देन मैं लगाऊंगी, ये मेरा है इनसाइड का लिक्विड आईलाइनर गाइस। तो इससे बहुत अच्छा विंग आईलाइनर बन जाता है, तो मैं वही कोशिश कर रही हूँ। जो मैंने आई शैडो लाइन है उसी से मिलाने की इसको कोशिश कर रही हूँ, उस पर आउटलाइन कर रही हूँ। इससे आईज बहुत ही स्मोकी लगता है गाइस। अगर आप भी बिगनर हो, आपको आई शैडो अप्लाई करना नहीं आता है, तो मेरा वीडियो देख के आप बहुत अच्छे से अपना आई शैडो अप्लाई कर सकते हैं। देन यहाँ पे मैं लगाऊंगी इनसाइड का ही मेरा 24 आवर स्टे ये मस्कारा है। तो गाइस ये बहुत ही बेस्ट है, ऑल टाइम मेरा फेवरेट है। और फिर लोअर लेसेस पे भी इसे अप्लाई कर लूँगी। और ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अपना मेकअप थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा पाउडर था उसको सेट कर लिया। और लोअर लेसेस पे मैंने वही कलर लिया है, पीच कलर प्लानिंग कर लिया है। और फिर पाउडर से अब फेस को सेट कर लूँगी। देन गाइस यहाँ पे लगाऊंगी NYB का मेरा वाइट काजल है, ये बहुत बेस्ट लगा है। वाइट काजल लगाने से क्या होता है कि अगर आपकी आंखें छोटी हैं तो आपकी आंखें बड़ी दिखने लगती हैं। देन मैं लगाऊंगी क्लैमी का टिटरी, ये मेकअप फिक्सर है, मेकअप स्प्रे है, और इससे आपका मेकअप सेट हो जाता है। फिर ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अपना मेकअप सेट कर लूँगी। इससे क्या होता है कि जो भी आपका एक्स्ट्रा फाउंडेशन और पाउडर होता है वो रिमूव हो जाता है। देन गैस मैं लगाऊंगी ब्लशर। इसके बाद से ब्लशर लगाओगे ना तो बहुत ही ज़्यादा आपका ज़्यादा ब्लशर नहीं लगता है। देन यहाँ पे मैंने पीच कलर पिक किया है और ब्लेंड कर लिया। देन यहाँ पे लगाऊंगी वेट एंड वाइट का HD हाईलाइटर। ये गैस हाईलाइटर बहुत ही बेस्ट है और हाईलाइट पॉइंट पे अच्छे से मैं अप्लाई कर लूँगी अपने ब्रो बोन, आईब्रो बोन पे और अपने चिक पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी, अपने चिन पे, नोज़ पे, आउटलाइनर पे, सॉरी लिप लाइनर पे। और ये लिपस्टिक मैं लगाऊंगी गैस, मेरा इन कलर का ही है, जैसे आपको पता है ये हॉट रेड है। और इस तरीके से आप लिपस्टिक लगाओगे जैसे मैं लगाती हूँ तो ये आपका फैलता नहीं है। अब ये रहा मेरा फाइनल लुक, आप देख लो, आप कमेंट करके बताना। ये रहा मेरा फाइनल लुक, मैंने हेयर स्टाइल भी बना लिया। आप कमेंट करके बताइए कि कैसा लग रहा है। और आप चाहें तो हेयर स्टाइल आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, अपने फेस के अकॉर्डिंग हेयर स्टाइल रख सकते हैं। तो गैस मैं आज ऐसे ही हाफ क्लचर की हूँ और बाल को ऐसे ही नॉर्मली शेड कर ली हूँ। और छोटे छोटे जो बेबी पिंस आते हैं स्टोन वाले वो मैंने लगाया है। और आप चाहे तो बाल को ये टॉप में पहनी हूँ, फ्लिपकार्ट से मैंने मंगाया था। और ये टॉप मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। मैं 219 रुपये का ये टॉप मैंने लिया था गाइस। और उसके अकॉर्डिंग कॉटन का है, बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। तो गाइस मेरा मेकअप लुक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट मेकअप ट्यूटोरियल किस कलर पे देखना चाहते हैं ये भी बताइएगा गाइस। अगर यहाँ तक आएँ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुद से प्यार कीजिए। लव यू ऑल, टेक केयर।